मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे, मंगो दुआ के शाला इंजदा नसीब होवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुजुर्गों नाज़रीन, तुहाडे सामने अगली वीडियो दे नाल हाज़र हां। जिहड़ी तुसीं वीडियो देख रहे हो ये बहुत ही अच्छी तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, यानी कि यह नुस्खा जिहड़ा तुहाडे सामने पेश करन लगे हां इहदा नाम है अक्सीरे जिसम। अक्सीरे जिसम कि जिहड़ी कि इस नुस्खे की हर इंसान नूं जरूरत है, तो ये सब तो सस्ता नुस्खा है, महंगा भी नहीं, बिल्कुल सस्तियां चीज़ा ने, आसान चीज़ा ने, जिहड़ा कि हर अमीर और गरीब वास्ते जरूरी है और अनगिनत बीमारियों का इलाज है, जिहड़ियां कि तुहानूं मैं तफसील नाल सारियां दसांगा। और वह आइटम जिहड़ियां तुहाडे सामने ने सिर्फ चार चीज़ा ने। सब तो पहले नंबर ते आमला खुश्क 400 ग्राम और उस तो अगे बेड़ा 200 ग्राम, हरीड़ जर्द रीड़ 100 ग्राम, मस्तगी रोमी 2 तोले। इन्हों का तुम वजन देख लिया, वजन इन इदा ही है, लेकिन इन्हों अलहदा अलहदा बरीक करना है, अलहदा अलहदा बिल्कुल बारीक करके बरीक छाननी चो छान के और इसनों मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके एक शीशे की बोतल यानी कि कच की बोतल दे विच इन्हों महफूज कर लेना है। और इंदा खावन का तरीका यह आ कि एक कप पानी का लेना है गरम गरम, उस दे विच अद्धा चम्मच यानी कि इन्हें जो सारिया चीज़ों का सफूह बना लेना है, जिस तरह कि मैं तुम्हें दसना कि यह सफूह तैयार है। सफूफ का अद्धा चम्मच लेना है और वह जो पानी का कप उबलिया होएगा उन्हें पा के इन मजीद अच्छी तरह बॉयल कर लेना है, यानी कि यह नहीं कि ज़्यादा पानी खुश्क करना है, बस एक दो बॉयल अच्छी तरह आ जाना, उबाले आ जाना तो उन्हों जरा ना उतार लेना और उन्हों उतार के तो उस दे अंदर एक चम्मच जंगली शहद यानी कि देसी शहद, जंगली शहद जो इन शामिल करना है एक चम्मच, क्योंकि इनू शुगर वाला मरीज भी इस्तेमाल कर सकता है और नॉन शुगर जरा बगैर शुगर तो में वह भी इस्तेमाल कर सकता है और इसनों छोटा भी इस्तेमाल कर सकता है, वड्डा भी इस्तेमाल कर सकता, बुढ़ा भी इस्तेमाल कर सकता है, जवान भी इस्तेमाल कर सकता है। और उन्हों जो तुम इस्तेमाल करना है उन्हें एक चम्मच शहद पा के उन्हों पौनी दे पुन लेना है, पुन के और उन्हों हल्का हल्का नीम गर्म उस सुबह निहार मूँह इस्तेमाल करना है, यानी कि बेशक इन रात को अगर तुम भगो के रख दो सवेरे दोबारा हल्का जहा गर्म करके भी इस्तेमाल कर लो तो वह फिर भी बहुत बेहतर है, बल्कि इस तरीके दे नाल ज़्यादा बेहतर होएगा कि अगर रात को भगो के रख दिता जाए, रात को गर्म पानी के भगो के रख दो, सवेरे उठ के मजीद उबाला दे के तो फिर उन्हों बाकी तरीके इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस दे नाल इंसान के अंदर अगर किसी बीमारी की वजह तो भी इस्तेमाल करेगा, वह भी अगर नहीं भी बीमारी की वजह तो इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह इस दे नाल उन्हों
जेड़ा दोस्त भी इस्तेमाल करेगा किसी बीमारी का कोई खदशा नहीं होएगा अल्लाह के हुक्म नाल इंशाल्लाह। और बाकी वैसे भी काफी ज्यादा बीमारियां नू जड़ तो खत्म कर देगा, जिस तरह के बीमारियां दा शेड्यूल तो मैं दसना कि एक केड़ी केड़ी बीमारी वास्ते बहुत ही ज्यादा मुफीद है, यानी कि पूरे जिस्म वास्ते बेहतरीन अक्सीर है, बल्कि इसका नाम ही अक्सीर जिस्म, यानी कि जिस्म दे विच अगर सफरा दा जमा होना है तो वह भी ठीक हो जाएगा। अगर जिस्म दे विच, और इंदा एक चीज तन मैं होर दसदा जावां कि इंदा इस्तेमाल कम अज कम 2 माह जरा ना इस्तेमाल मुसलसल जरा वह होना चाहिए है, और बिला नागा करना है, इंदे विच कोई नागा नहीं करना। और इस तो अलावा इंदे विच अगर कोई गिल्टियां बन जांदियां ने जिस्म ते, इस दे इस्तेमाल दे नाल अल्लाह दे हुक्म नाल गिल्टियां भी ठीक हो जाणगियां, यानी कि जिल्द दी खराबी जड़ी ना वो ठीक हो जाएगी। मजीद इस दे नाल जिहड़ा फोड़े फिनसियां हुंदे ने वह भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी दोस्त का किसी का जख्म खराब हो जाता है, वह ठीक नहीं हुंदा, तो इनू जदों इस्तेमाल करता रहेगा उस दे नाल उहदा जख्म भी ठीक हो जाएगा। और इनू इस्तेमाल करन दे नाल जिसनू मुसलसल कब्ज रहिंदी है अल्लाह दे हुक्म नाल कब्ज भी ठीक हो जाएगी, और उहदा मेदे का निजाम जरा ना वह भी बहुत अच्छा तो वधिया हो जाएगा, और उसनू उसकी खुशकी जिहड़ी है वह भी इस दे नाल खत्म हो जाएगी। और इस दे नाल बलगम केरा नजला वगैरह जरा ना वह भी ठीक हो जाएगा। इन्ना अच्छा ये मरकब है। अगर सफरावी मसले दे नाल मोटापा हो जाता है तो इस दे नाल वो मोटापा भी ठीक हो जाएगा, और इस दे नाल मजीद ये वे कि कोलेस्ट्रोल जरा ना वो बढ़ना जरा ना खत्म हो जाएगा, और मजीद अगर कोलेस्ट्रोल जरा ना आस्ता आस्ता कम हो जाएगा। और एक होर जी खतरनाक अजकल के दौर दे विच एक मसला बहुत ज्यादा हर दूसरे चौथे बंदे नूं इह हुंदा है कि जिहड़ा यूरिक एसिड दा शिकार हो जाता हर बंदा, इस दे नाल यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा बल्कि कंट्रोल होएगा इंशाल्लाह। और एक होर बड़ी मजे की गल है कि जिहड़े बंदे दे दाढ़ी दे वाल सफेद हो जाते हैं या जल्दी सफेद होना शुरू हो जाते हैं, इस दे नाल वह भी कंट्रोल होणगे, बल्कि कि अगर सर दे वाल जड़े ने वो भी इन दे नाल जल्दी सफेद नहीं होंगे। और इस तो अलावा मुंडे लड़के लड़कियां जिन्हां दे मुंह ते छाइयां झुरियां पै जांदियां ने, किल मासे हो जांदे ने, वह भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और जदों इंदा इस्तेमाल मुसलसल होएगा तो उज़्वे खास दीयां कमजोरियां नूं बेहतरीन तरीके नाल कंट्रोल करेगा, और इस दे इस्तेमाल दे नाल मसाने दी गर्मी भी इंशाल्लाह ठीक होएगी, और इस दे इस्तेमाल दे नाल जरियान दा मसला जरा ना बहुत ही वधिया तरीके दे नाल ठीक होएगा। और लेडीज वास्ते वे कि इस दे नाल लकोरिए नूं बहुत बेहतर फायदा होएगा, और इस दे नाल रहम दे यानी कि लेडीज दे रहम दे तमाम मसाइल वास्ते बेहतरीन हल है। और लेडीज एंड जेंट्स दे वास्ते जिहड़ा कि पेशाब दे तमाम मसलियां वास्ते बेहतरीन चीज है। अगर किसी नू सौदाक अचक दा मसला हो जाता है तो इस दे इस्तेमाल नाल काफी हद तक कंट्रोल होएगा। और अक्सीरे जिसम इसे वजह तो इनका नाम रखा गया है कि यह गुरदे के मसाने वास्ते पत्थरी वास्ते यानी कि गुरदे की पत्थरी वास्ते मसाने की पत्थरी वास्ते बहुत बेहतर काम करेगी। और दिमाग की जिहड़ी कि नज़र की कमजोरी जिन्होंने हो जाती है अगर मुसलसल इस्तेमाल करने तो इनके नाल नज़र की कमजोरी जिहड़ी ना वह भी ठीक हो जाएगी। जिहड़े दोस्तों खास करके ओल्ड एज के प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाते हैं जिन्हें बढ़ जाते हैं उनके वास्ते भी बहुत बेहतर चीज़ है, यानी कि इसके इस्तेमाल के नाल उन्हें बहुत ही बेहतर फायदा होगा।
और इहदे नाल पानी बनना जिहड़ा ना वह भी कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि जिस बंदे नूं अगर बवासीर की कसर होंदी ना वह भी बहुत बेहतर तरीके नाल ठीक होएगा और दिमाग की कमजोरी नूं बेहतरीन तरीके दे नाल फायदा देगी, यानी कि दिमाग की कमजोरी नूं ठीक करेगी। और जो दिमाग की कमजोरी ठीक होगी तो इहदे नाल टेंशन का मसला जिहड़ा ना अल्लाह दे हुक्म नाल वह भी बड़ा बेहतरीन तरीके दे नाल हल होएगा। और जिस्मानी पूरी यानी कि पूरे जिस्म नूं बेहतरीन एक्टिव बनाने वाली चीज़ है जिस्मानी कमजोरी नूं कवर करने वाली। और इस दे नाल ब्लड प्रेशर लो दा या हाई दा कोई भी प्रॉब्लम होएगी आस्ता आस्ता बड़े अच्छे तरीके दे नाल कंट्रोल होएगी। और ये गुरदियां दी बेहतरीन सफाई का नुस्खा है और जिगर नूं बड़ा बेहतरीन ताकत दिंदा है, यानी कि जिगर की इसलाह करता है। और इस तो अलावा जिस्म दे विच किसी किस्म का बलगमी मसला होवे उसका खात्मा करता है, यानी कि इन्ना बेहतरीन कमाल दे नुस्खा है कि मैं अपने जदों का बना रहा यह मैं बड़ा बेहतरीन तरीके नुस्खा चलिया है। तो मैं क्या मैं सारे दोस्तों को बना के जरा उन्होंने अगे शेयर करने हैं और अगे मजीद इंदा एक होर दो तीन अजे होर फायदे रहिंदे ने जिहड़े मैं तुहानूं ओह भी दसदा कि जिस्म दी दर्द नूं जिहड़े बंदे दा जिस्म अक्सर दर्द करदा रहिंदा हल्का हल्का दर्द करदा है जिस्म दी दर्द नूं बेहतरीन तरीके दे नाल ठीक करेगा। और वह जदों जिस्म दी दर्द ठीक होएगी इहदे नाल पूरे आसाब दे पठिआं नूं जदों पूरा जिस्म अच्छी तरह रिलैक्स होएगा तो पूरे जिस्म दे पठिआं नूं बेहतरीन सुकून मिलेगा ताकत मिलेगी और इस दे नाल लंगड़ी का दर्द जिहड़ा हुंदा वह भी ठीक हो जाएगा, कुव्वत मुदाफत जिहड़ी है उसकी कमी नूं ठीक करेगा। और एक चीज़ होर तुहानूं मैं दस दें जावां कि दुनिया का कोई भी हकीम जिहड़ा कि इस दे नुस्खे की अफादियत नूं समझ के इनकार नहीं करेगा इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करना कि मेरे दोस्तों भरावों नूं यह नुस्खा बहुत ही अच्छा लग्या होया होगा। और मेरे एक होर ही बड़े अच्छे दोस्त ने जिस तरह के मैं पहले भी एक वीडियो कहना जिक्र किया है क्योंकि कई दोस्त साढ़े के ने इंडिया के जो सारे को बहुत ज़्यादा कॉल करके पुछते दसते रहते हैं तो फिर उन्होंने असं शेयर कर दें कि साडा एक दोस्त है रणजीत साहब रणजीत सिंह है इंडिया के तो उन्हों का नंबर भी मैं तुम्हें दस दिना उन्होंने नंबर है जी 00919278333777 तो रणजीत सिंह उन्होंने ना है तो उन्होंने को भी तुम यह नुस्खा जा जड़े ने और अद्वियात हासिल कर सकते जो तुम उन्होंने को भी आसानी मिल सकेगी। और यह जो नुस्खा दूसरों तक पहुँचाना है हर दोस्त अगे पहुँचाना शेयर करना यानी कि सदका जा रहा है दूसरों तक इस तरीके ही पहुँचाया जाएगा जिस तरह के तुम शेयर करोगे तो हर दोस्त भरा अगे दुखी दोस्त अगे ये पहुँचाया जा सकता है। मैं उम्मीद करना वा कि मेरे सारे दोस्तों ये नुस्खा अच्छा भी लग्या होगा बल्कि बहुत ही अच्छा लग्या होगा। और लाजमी तुम थले कमेंट के मैं दसना है कि तुम्हें यह नुस्खा कैसा लगेगा लग्या है और इंदा इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं गरंटी नाल कहना कि इंदा 100% बेहतरीन फायदा होएगा। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। इजाजत अल्लाह हाफिज अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बदेरे सरकार नू कमांगे दर्दा 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 ने पा